राम राम भाई सबने, आज अपन घूमने चले हैं और एक मैं और अपने साथ तीन और ये दोस्त हैं गुजरात से। और हमने प्लान बनाया आज स्पाइक आइलैंड जाने का, तो जुड़े रहना, आपको दिखाते हैं क्या क्या है, कैसी है आयरलैंड की ब्यूटी। और चलो मिलते हैं फिर, आपको बीच बीच में ऐसे शॉर्ट्स दिखाता रहूँगा पूरे रास्ते के। और अब फिलहाल हम जा रहे हैं कैंट स्टेशन, यहाँ से एक ट्रेन लेंगे और पहले जाएंगे कोब, और कोब से लेंगे फेरी स्पाइक आइलैंड के लिए। तो चलो दिखाते हैं आपको सब कुछ। ओके, चले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो पर हमें है तुम्हार, जीना इसी का नाम है। बस हो गया, घोषणा किया सही है। ये अपनी वो फेमस वाली जगह है ना, ये टूरिस्ट स्पॉट है, वॉलपेपर में भी देखी है जो अपने। ये वो नहीं है भाई, वही है भाई, ये वो नहीं है, बैक ऑफ का आगे, ये वो नहीं, मैं आया हूँ, मेरे को पता, कलर कलर फूल वाले घर बोल रहे ना, तो हाँ, ये वो नहीं, वो आगे आगे पूरा चढ़ना पड़ेगा, लेकिन वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, वो साइड नहीं लगता अपने को, किसी से जाना। ये है भाई यहाँ पे जो सबसे फेमस जगह है कोव की, ये कैथेड्रल है, एक चर्च है, और इसके पास में ये नीचे कलरफुल टाइप के घर बने हुए हैं, इसी को देखने के लिए लोग यहाँ पे आते हैं। और ये छोटी छोटी बोट्स हैं यहाँ पे, और ये ताई बीच में खड़ी हुई है। क्या टिकट लेनी है ऐसे? टिकट लेनी पड़ेगी। चलो ठीक है, लेते हैं, दे रहा हूँ, रुको। ये यहाँ पे बोट्स है, और यूके से जब चल के टाइटैनिक गया था तो ये आयरलैंड ही उसका लास्ट स्टॉप था, ऐसा मेरा एक दोस्त बता रहा है, मेरे को कुछ नहीं पता। तो चलो स्पाइक आइलैंड पहुँच के मिलते हैं आपके साथ, अभी टिकट लेनी है हमको। ओके, okay.
इधर तो आइए। थैंक्स वेरी मच। For your safety and comfort, please listen to the following safety announcement. और ये सामने वाला है ना स्पाइक आइलैंड। ये कोब जहाँ से अपन अभी आए हैं। कोब को ओके। Some lovely beaches here, but swimming's prohibited. You feel like rain in the morning, giving me mixed emotions, and it's too much sometimes. Mixed emotions. भूख लगी थी तो भाई यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। दो ऑर्डर किया है वीगन फूड। ऐसे अपना यहाँ पे वेजिटेरियन के लिए ऑप्शन बहुत ही कम है। खाना सब हो गया भाई, अभी चलते हैं बाहर, फोटो वोटो लेते हैं और फिर चलते हैं घर की तरफ। और ये सामने है कोब जहाँ से अपन चढ़े थे। ये ऐसे ऐसे भाई कैदियों की जेल होती थी, उनके बेड होते थे। बोलिए चलाते थे बताते थे।